यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई। जी हाँ दोस्तों, और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का गाइस यार यहाँ पर दोस्तों हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर गाइस। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में यार यहाँ पर देख लिया था मैं उस बंदे का, वो जो कार मीट के अंदर जिससे मुझे यहाँ पर वाइट गैंग ने मिलने के लिए बोला था, क्योंकि वो एक काफ़ी खास बंदा है दोस्तों लॉस्ट गैंग का, जिन्होंने यहाँ पर वाइट गैंग के बॉस को दोस्तों किडनैप किया हुआ है। तो वही हमें बता सकता था कि वाइट गैंग का बॉस कहाँ पर फिलहाल अभी लॉस्ट गैंग दोस्तों रखा हुआ है। अफसोस मैं उसको नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरी गाड़ी उलट पुलट हो गई थी, तुमने देखा होगा, ठीक है। और फिर मैं दोस्तों क्या हुआ, सुबह हो गई क्योंकि 2-3 बज रहे थे उस टाइम दोस्तों रात के, ठीक है। फिर सुबह हो गई, फिर मैं सुबह यहाँ वाइट गैंग से मिलने के लिए, मतलब मैं पहले तो भाई आ गया था, फिर दोस्तों मैं गैरेज के अंदर रुक गया। सुबह यहाँ पर वाइट गैंग दोस्तों आ चुकी है। तो अभी फिलहाल हम गाइज अभी यहाँ मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो पर लाइक है मैं पूरे के पूरे 2000 लाइक्स का। जी हाँ 2000 लाइक्स का एम है। अब मैं कोई ज्यादा लाइक एम भी नहीं कर रहा और क्योंकि आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर जो है डीमोटिवेट ही करते हो और ज़्यादा कुछ नहीं होता, ऐसी सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेशन मिलती है। तो 2000 लाइक का एम है, प्लीज़ यार कंप्लीट करवा देना। 2000 लाइक का एक छोटा सा लाइक एम तो यार तुम कंप्लीट करवा ही दोगे। और जो लोग इल्यूमिनाटी गैंग में ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इल्यूमिनाटी गैंग को दोस्तों फटाक से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो मैं बाइनोकुलर से दोस्तों यहाँ पर देख रहा हूँ आसपास और पहाड़ी के ऊपर भी, बट मेरे को कोई भी गाड़ी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। पहाड़ों के ऊपर यहां पर देख रहा हूं बट एक गाड़ी क्या कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लिटरली कुछ भी छोड़ो यार। तो गाइज ये फिलहाल तो कुछ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और मुझे मतलब इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है ना यार, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। बट अभी यहाँ पर वाइट गैंग तो खैर यही बोल रहे हैं कि इन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर हर जगह अभी तलाश कर रहे हैं उस बंदे की, और मैंने इनको बता दिया है कि वो बंदा एक ब्लैक कार के अंदर था। बेसिकली इनको गाड़ी का नहीं पता था और मैंने कार नंबर भी इनको बता दिया है, लोगों को तक इन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, बट अभी तक कोई भी यहाँ पर पता नहीं चला। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग भी इधर उधर देखो, बाकी मैं भी देखता हूँ, जैसे ही कुछ होगा मैं तुम्हें यहाँ पर जो है बता दूंगा, ठीक है। और राइट दोस्तों, तो वाइट गैंग तो देखो यार यहीं पर है और इनको ना अपने बॉस से मतलब मिलने की कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता हो रही है भाई। और मतलब दिन भी तो कितने हो गए यार ये उससे नहीं मिले। और हाँ यार देखो बात तो सही है यार, अपने बॉस की हर किसी को तो देखो दोस्तों याद आती है जिसने इतना कुछ बनाया, समझ रहे हो तुम, हर किसी को आती है ये, सिर्फ हमारे साथ ही मामला नहीं है भाई, ये सभी के साथ मामला है। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी को किधर से लेकर चलूँ, इधर से जाएगी जिधर से लेकर आया था, पर यार मैंने गलती कर दी यहाँ इतनी अंदर गाड़ी लाकर। पर हमारा गाड़ी चलाने का तरीका भी तो अलग ही है, ये देखो गाइस ये है तरीका एकदम मोड़ काटने का, एकदम जो सकरे मोड़ होता है ना उनको इस तरीके से यहाँ पर काटा जाता है, देख रहे हो, बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ फाइनली आराम से दोस्तों। ये देखो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पर निकाल लिया है, चलिए एकदम मज़ा आ गया। तो गाइस थोड़ा अभी मुझे यहाँ पर जो है छानबीन करनी पड़ सकती है, ठीक है। या तो फिर दोस्तों मैं ये नंबर ना यहाँ पर लेस्टर को ही देता हूँ, लेस्टर ही उसका पता करके बताएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। पैलेटो बे में तो यार देखो वो हमें मिलने नहीं वाला, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है पैलेटो बे से भी दोस्तों निकल ही गया होगा। गाड़ी देखो अपनी कैसे पटाखे मार रही है, यो बाय अपनी गाड़ी का, मुझे अपनी AK-47 का एग्जॉस्ट काफ़ी मस्त लगता है। तो गाइस यार मैं यहाँ पर रुका था बट नहीं है वो बंदा, इधर भी नहीं है, ये इतनी तेज़ क्यों चला रहा है मुझे देखकर। यहाँ पर भी नहीं है, एक बार मैं पिछले मोहल्ले में भी 200 चेक कर लेता हूँ। मैं इधर उधर भी 200 देख रहा हूँ बट कोई नहीं है। और भाई AK-47 को देखने के बाद तो वो घर से बाहर निकलेगा भी नहीं अगर उसका घर आसपास ही होगा। खैर वैसे देखा जाए दोस्तों उसका घर आसपास है भी नहीं यार, क्योंकि मतलब अगर वो बंदा इधर उधर होता ना तो दोस्तों दिख जाता, क्योंकि उसकी ब्लैक गाड़ी जो थी ना वो काफी भाई आई कैची कार थी, बहुत ज्यादा आई कैची कार थी। चलो कोई नहीं यार गाइज, मैंने पूरे पैलेटो में यहाँ पर छान मारा है पर नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं क्यों ना दोस्तों हम ऑफिसर से जाकर मिले और हम ऑफिसर को बताएं कि हमारी ये नंबर प्लेट की गाड़ी चोरी हो गई है, क्या बोलती है पब्लिक, है ना।
इसे भी पकड़ा जा सकता है उस इंसान को, है ना। ये अच्छी बात हो गई, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अभी मैं चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, पिछले वाले दरवाजे से चलता है, वो सीधा ऊपर ही जाता है दोस्तों, फ्रंट वाले से नहीं। चलो और जा करना दोस्तों, एक बार ऑफिसर से बात करके देखते हैं, क्या पता दोस्तों यहाँ पर कुछ निकल कर आ। बिल्कुल वही बात है, और मैं देखो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा बुरा हुआ था, और उसने मुझे यहाँ पर ठोकने की भी कोशिश की थी, और मेरी गाड़ी यहाँ पर टूटते टूटते बची है। मेरी गाड़ी पर आप स्क्रैच देख सकते हैं, और जो मैंने नंबर बताया वही है, और वो बंदा पैलीटो की साइड ही आया था, वो नंबर भी पैलीटो बे का ही था। लंबी सी दाढ़ी है, गंजा सा है, मोटा सा है, तो आप प्लीज़ उसका यहाँ पर पता कीजिए जल्द से जल्द, जितना भी हो सके प्लीज़ सर। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, प्लीज़। ठीक है, ऑल राइट सर। तो गाइज यार, फाइनली यार मैंने इन सर को जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर दे दी है, और मैंने यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई कि हमें उसको पकड़ना है ये वो। मैंने यहाँ पर ना, या वो गाड़ी चोरी हो गई है, मैंने ये वाली खबर नहीं यहाँ पर फैलाई। मैंने यहाँ पर बोला कि वो ना मेरे को यहाँ पर ठोककर चला गया था, ठीक है, और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है, प्लीज़ उसको यहाँ पर जो है गिरफ्तार कीजिए। तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द से अब उस गाड़ी की यहाँ पर जो है तलाश जारी कर देते, और जैसे ही हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इन्होंने एक चीज़ भी यहाँ पर बोली थी, आप यहाँ पर पोस्टर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई वो तो नहीं है मतलब क्रिमिनल इनमें से कोई। मैंने कहा इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, चलो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से। तो इन्होंने ये फ़ोटोज़ दिखाए थे, इनके अंदर से तो कोई भी क्रिमिनल नहीं है यार, वो इनमें से कोई नहीं है, वो तो अलग सा ही था जो भी था। चलो छोड़ो, अब हमें क्या लेना देना है, जो होना था हो गया। बाकी मैंने ऑफिसर को दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, और मुझे उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्दी अपना काम भी यहाँ पर जो है स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल नीचे वाले ऑफिस में भी कोई भी नहीं है, जस्ट यही है, क्योंकि सबके सब दोस्तों पेट्रोलिंग पर गए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो हमारा तो काम हो गया ना, डन, और क्या चाहिए। चलो निकलते हैं, बढ़िया। तो गाइज यार, ये वाली जो मैंने यहाँ पर फैलाई है ना बात, आपको एक ऐसी लगी कमेंट करिए बताना भाई। मैं ना हमेशा बातें ना दोस्तों चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो जिससे क्या होता है मतलब पता चलता रहता है, समझ गए कि ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं है। अभी यार ये बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं सोचा था बाइक लेकर जाने की, बट कार ही से चलते हैं। चलो कोई नहीं, अपनी गाड़ी से ही, अपने के 47 से ही चलेंगे यार, आराम से। गाइज मतलब यार एक काम और मैं कर सकता हूँ दोस्तों, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, बहुत पुरानी ये फैक्ट्री है दोस्तों, तो एक काम ना करें, एक बार इस फैक्ट्री में भी चलकर ना देख लें दोस्तों, कभी यहाँ पर कुछ हो, क्या बोलती है पब्लिक, है ना। चलो जाकर देखने में क्या हर्ज है यार, जाकर देखने में तो कोई भी हर्ज नहीं है, चलते हैं एक बार और जाकर देखते हैं यहाँ पर भी, कभी हमें यहाँ पर कोई सुराख वगैरह दोस्तों यहाँ पर मिल जाए तो। चलिए राइट गाइस, फाइनली पहुँच तो गए हम यहाँ पर, बट इधर भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। असल में ना दोस्तों इसके ना आधे शेयर्स यहाँ पर, ये जो पत्थर वत्थर निकाला जा रहा है ना, और ये जो लकड़ी का काम दोस्तों यहाँ पर होता है, बेसिकली लकड़ी वगैरह का इस फैक्ट्री में दोस्तों यहाँ पर काम होता है, तो इसके ना आधे शेयर्स ना दोस्तों, बेसिकली आधी पार्टनरशिप ना लॉस्ट गैंग के साथ ही है, इसीलिए मैं इस वाली जगह पर आया हूँ। उनकी गाड़ियाँ खड़ी है, बेंटली खड़ी है, इनकी इतनी महंगी कार इनके पास कहाँ से आई। ये लकड़ी बनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, वो देखो कुछ लॉस्ट गैंग के बंदे वहाँ पर छत पर खड़े हुए हैं। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो तुम्हें दिखेंगे, रुको, इनका ध्यान कहाँ है, अरे फ्रंट की ओर देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर देख लो, लॉस्ट गैंग के कुछ ना बंदे दोस्तों उधर खड़े हुए हैं। मैं गाड़ी के अंदर फिलहाल बैठता हूँ, मैं ना थोड़ी इनकी गाड़ियों के साथ छेड़खानी करता हूँ, ये देखते हैं इनकी ना दोस्तों खुद किल सेगी। देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये बहुत नई सी बेंटले खड़ी है यार, काफ़ी अच्छी लग रही है बेंटले, और ये गाड़ियाँ भी खड़ी हैं दो तीन, रैप्टर ट्रक भी तो है। ये बेंटले किसकी है, चला लो गोलियाँ, तुम्हारा बाप का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ हाँ चला लो गोलियाँ, आ गए दोस्तों चूहे बिल से निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, चूहे बिल से निकल कर आ चुके हैं। ओ भाई चूहों को देख लो गाइस, चूहों को देख लो,
तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो मैं दादाजी की गन से फोड़ डालूंगा मैं। हाँ हाँ अभी देखते जाओ, तुम आ जाओ, आ जा जा गाड़ी के ऊपर क्यों आ रहे हैं। हाँ हाँ आओ मुझे मारो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इन्हें तो दोस्तों अपने दादा की गन से पेलूंगा मैं। एक गन के अलावा दूसरी गन नहीं मांगोगे तुम, एक गोली में, एक गोली में, एक गोली में, शर्तों के साथ एक एक गोली में जाओगे। चल निकल तेरी ऐसी की तैसी, शर्तों के साथ मर्द के सीने पे तब वार करना जब तू। हाँ तेरी एक गोली ले, मेरी एक गोली खा, बस एक में खत्म, एक गोली में खत्म। तेरी ऐसी की तैसी, और किधर है? ओके रुक जा, ले निकल निकल तेरे बेटी। अरे यार ये पुलिस वाले आ गए, पेट्रोलिंग पर गए होंगे पुलिस वाले, एकदम यहाँ आ गए। निकलता हूँ यहाँ से वरना दिक्कत हो जाएगी, पहले इन चूहों को तो मार दूँ। ले चूहे चल, ओ यार वेस्ट हो गई गोली, चल चूहे। अभी छू कर ही निकली वो गोली से, एकदम मर गए। आजा आजा आजा, फिलहाल लगता है इस इन्हीं बंदों को पेल रही है यहाँ पर पुलिस भी। अरे यार ये पुलिस वाले आ गए दोस्तों, यार शिट, अब पुलिस वालों ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। अब ये गोली मार रहा है तो यार निकलो बस। ये पुलिस वाले कितने चिंदी चोर हो गए हैं, पीछे से कोई गोली मार रहा है। ओ तेरी, ओ भाई चूहों की नस्ल और भी है दोस्तों यहाँ पर, मैं तो सोच रहा हूँ और नहीं थी, और भी चूहों की नस्लें हैं यहाँ पर। यार निकलो निकलो भाई, ये पुलिस वाले भी आ गए यार। अब तो वहाँ पर चूहों की नस्लें खड़ी हैं थोड़ी सी और। ओ चूहो इधर आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पुलिस बुला ली अब तुमने। भाई ये पुलिस वाले इनसे लड़ रहे हैं या पुलिस वाले से लड़ रहे हैं, अलग ही मामला चल रहा है। हाँ ले आ जा, और किधर हैं भाई, ऊपर भी, ऊपर भी चढ़े हुए हैं क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी? ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हो, ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हो भाई? कितने बंदे हैं यार यहाँ पे, बाइकर गैंग वालों के दोस्तों बहुत बंदे घुसा हुआ है दोस्तों इधर। यार मैं सोच रहा था मतलब इतना होगा भी नहीं, बहुत बंदा है भाई। निकल तेरी ऐसी की तैसी, निकल मेरे बेटे। और राइट दोस्तों अभी थोड़ा नीचे को चलते हैं, अंडरग्राउंड में कोई भाई, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत खतरा है बाहर की ओर। आराम से ये ऊपर जाने की जगह लग रही है मेरे को, कोई यहीं से ऊपर निकलूँ क्या? चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई नीड अ वेपन, ले मेरे बेटे सीतापुर की चॉकलेट खाएगा। और भी हैं क्या? और पीछे चलता हूँ एक बार मैं, ज़रा पीछे जाकर देखता हूँ यार होंगे तो। देखो इतनी जल्दी तो हार मानने वाले हैं नहीं, बहुत बंदा है यार यहाँ पे। ओ तेरी वहाँ पर स्वात वाले उतर रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देखा जाएगा स्वात वालों को भी देखेंगे। पहले ऊपर जाने के लिए तो यहाँ से जा सकता हूँ क्या? ऊपर है नहीं ऊपर जाने का, चलो पीछे कोई चलता है अभी तो। ऊपर कैसे जाएंगे यार, मुझे उन बंदों का ही नहीं पता चल रहा ऊपर कैसे गए होंगे। बाकी तुम्हारा भाई दादाजी वाली गन लेकर देख रहे हो कैसे चल रहा है भाई, ये गन मेरी फेवरेट है। अरे आपका ये जो वेस्ट वगैरह है फाड़ के अंदर निकल जाएगी इसकी गोलियां, इससे पंगेबाजी मत लेना। अच्छा हाँ ये दो गोली खा लेता भाई, इसी इनकी वेस्ट अच्छी है भाई। ये ऊपर कहाँ से गया पुलिस वाला, तुम ऊपर कहाँ से गए? ओ तेरी, ओ तेरी, निकले निकले निकले। और नहीं है दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर बंदे वगैरह, और कोई नहीं है, मैंने सबके सब जितने भी थी ना सबको पेल दिया। पीछे है, पीछे पीछे लग रहा है मेरे को, पीछे है। ओ तेरी आराम से भाई, अब मेरे ख्याल से कोई नहीं, जितने बाइकर गैंग के बंदे थे मैंने सबको पेल दिया ऑलमोस्ट। एक बार यहाँ से जाकर देख लेता हूँ कोई है क्या बचा तो नहीं, मुझे लगता तो है नहीं मैंने कोई बचा हो।
सबको ही मार दिया मैंने। अरे यार सर जी जाओ ना यार, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, तो फिर भी यहाँ पर सारे पुलिस वाले हैं दोस्तों, अब यहाँ पे सबके सब पुलिस वाले हैं और नॉर्मल बंदे नहीं हैं, तो मैं फालतू पुलिस वालों को ज़्यादा मैं मारना वारना नहीं चाहता, बेफालतू में क्या फ़ायदा होगा इनको मार के। चलो आराम से चल चल चल, अब दोस्तों मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान कर दिया। खैर भाई बाइकर गैंग वालों का यहाँ पर आने के बाद भी वो अच्छा हुआ भाई मेरे दिमाग में आ गया, अब पुलिस को मैं क्या ही मारूँ, कोई नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, गोलियाँ मार लो तुम, मैं बेफालतू में बंदे नहीं मारना चाहता दोस्तों। चलो यार साइड हो, इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से हटा भी दिया अपने रास्ते से। चलो अब निकलता हूँ। अरे यार ये बेचारे नॉर्मल बंदे हैं दोस्तों, इनको भी यहाँ पर परेशानी होगी, खामा खाई पुलिस अब परेशान करेगी दोस्तों, वैसे नहीं करेगी, जब मैं पुलिस के हाथ आऊँगा तभी तो करेगी परेशान भी, मैं बेफालतू में किसी नॉर्मल बेचारे पुलिस वाले भी तो इंसान ही है ना दोस्तों, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो मैं बेफालतू पुलिस वालों को भी नहीं मारूंगा अब, और मैं पुलिस वालों से बच के बड़ी जल्दी दोस्तों निकल भी जाऊंगा इनको चकमा देकर, इनको पता भी नहीं चलेगा मैंने इनको कब चकमा दिया और मैं कब निकला, जस्ट मुझे अपने बेस में जाकर छुपना है, बस मैं वहाँ से निकल के जैसे ही दोस्तों पुलिस का मामला शांत होगा फिर मैं वहाँ से निकल के जो लॉस सैंटोस के लिए चला जाऊँगा, अब मेरे को शाम को निकलना होगा दोस्तों, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है, शाम को निकल के मैं सीधा अपने घर जाऊँगा यहाँ से। ऑलराइट दोस्तों, तो गाइज अब मुझे यहाँ पर अब इस मामले का शांत होने का दोस्तों इंतज़ार करना होगा, मेरे हाथों पैरों पर कहीं कहीं पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गोलियाँ वगैरह लग चुकी हैं, बट क्या ही करूँ यार। चलो अंदर चलते हैं, ये तुम्हारे भाई का लॉकर रूम आ चुका है, तो अब यहाँ तक तो खैर दोस्तों किसी के बस की बात भी नहीं है कोई पहुँच जाए, ठीक है फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा रात होने का, रात होने के बाद हम सीधा दोस्तों घर चलेंगे फिर, ठीक है फिर जो भी काम करने हैं कल अगली सुबह करेंगे, अभी देखते हैं यार पुलिस को भी कब वो बंदा यहाँ पर मिलता है ताकि हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कि वाइट गैंग बॉस है उसको कहाँ पर छुपाया हुआ है अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राइट गाइज इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और अब यहाँ से बाहर से पुलिस की आवाज़ वगैरह भी दोपहर से यानी खैर बंद हो गई थी। चलो चलते हैं अब यहाँ से निकल के अपने घर। खुल जा सिम भाई, रात को तो देखो तुम्हारा भाई अपने घर के लिए निकला है, अब भाई क्या ही है क्या कोई, होगा भी तो शायद से पहचाने ना, है क्या इसके अंदर कोई, अरे है तो कोई नहीं, जस्ट गाड़ी खड़ी है पुलिस की। ओके वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक पुलिस वाला जा रहा है, पर इसने पहचाना नहीं शायद, मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, गाड़ी को रोककर खड़ी कर लेता हूँ, ये इसने पहचाना नहीं, साइड हो जाता इसको जाना होगा, चला गया दोस्तों। गाइज इधर पुलिस तो थी बट अभी तो कोई नहीं है इधर, और वो एक पुलिस वाला जा रहा है यहाँ से, जाने दो भाई, मतलब मैं डर गया था, मैंने कहा भाई पुलिस वाला है, अब होता भी ज़्यादा क्या बोलता मैं मार देता, अकेला ही तो था यार, हाँ आरपीजी से उड़ा सकता था मैं, बट शोर तो ही नहीं करना है, अगर शोर किया तो भाई एकदम पकड़ा भी जाऊँगा। रात के 12 बजे पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी वहाँ, क्या ही कर सकते अब यार, गाड़ी देखो क्या फाड़ू भागती है भाई अपनी AK-47, जितना मज़ा मुझे अपनी इस कार को चलाने में आता है ना उतना किसी को नहीं आता है, देखो गाड़ी देखो क्या तगड़ी चलती है, फुल ऑन भागते 300, इसकी टॉप स्पीड 300 ही है, तो 300 292 इस तरीके से कुछ चलती है,
क्या मस्त गाड़ी चल रही है ना। चलो दोस्तों फटाक से हम जल्दी सब जो है अपने घर के लिए निकल रहे हैं गाइस। तो आप सभी लोग यार यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा लग्जरी हेडक्वार्टर्स दोस्तों यहाँ पर जो है लग रहे हैं। ये वाले हेडक्वार्टर्स दोस्तों यहाँ पर उसके हैं, वो जो हैकर गर्ल है ना उसके हैं, और मैं यही जगह दोस्तों यहाँ पर उसको भी सजेस्ट कर रहा था रहने के लिए। अब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी से देखा जाएगा। बाकी अपना यहाँ पर गरीब लोगों की जो मैंने बस्ती बना रखी है, बेचारे कितने मज़े से दोस्तों यहाँ पर रह रहे हैं। चलो फाइनली अब घर चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ दोस्तों, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। चलो आराम से, क्या बात है, फाइनली दोस्तों हम अपने घर पर पहुँच गए। चल भाई खुल जा सिम। इसके अंदर कुछ हो रहा है क्या दोस्तों? देखना कितना आराम आराम से चल रहा है, मुझे लग रहा है इसके अंदर ना कुछ हो रहा है यार, दिक्कत ठीक करवाऊंगा इसकी भी। चलो फाइनली यार हम अपने घर आ चुके हैं, क्या बात है। ओके मेरी कुछ बाइक्स यहाँ पर खड़ी हैं, चलो मैं अपनी गाड़ी को इधर लगा लेता हूँ। फाइनली अपनी AK-47 दोस्तों खड़ी हो गई, अब जाकर सोते वगैरह है, क्योंकि मेरे ख्याल से सबके सब फिलहाल अभी सो रहे होंगे। रात के 12:01 बज चुका है दोस्तों, ऑलमोस्ट मुझे वहाँ से आने में 1 बज गया। और यार एक तो घर के यहाँ आते हैं और दरवाजे पता नहीं क्यों खोल कर रखते हैं यार ये लोग बेवकूफ़ से। ये लगता है जाम हो रहा है, शायद से सिक्योरिटी गार्ड को हवा चाहिए होगी इसी की। छल कोई नहीं भाई, सिक्योरिटी गार्ड के भी भाई मज़े ही हैं दोस्तों। फिलहाल अपने वाले रूम में चलता हूँ मैं सबसे ऊपर। चलो नाइस, बढ़िया। तो गाइस फिलहाल अभी तो मैं तो इस वाले रूम में यहाँ पर सोता हूँ, और यहीं पर मेरा ऑफिस वगैरह भी है, मैंने बना रखा है। और यहाँ से अपना लॉस सैंटोस कितना मस्त, कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों रात के समय, है ना, एकदम मज़ा आ जाता है दोस्तों रात के समय तो लॉस सैंटोस को देखने में, क्या बात है। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी तो चलकर सोते हैं यार, अभी देखते हैं सुबह को, हमें यहाँ पर बहुत कुछ अभी काम है जो कि दोस्तों निपटाने हैं। चलिए फिलहाल अभी सोते हैं, अब मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों सीधा सुबह। राइट गाइस, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यार, आई होप के एक नई सुबह में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रात बहुत अच्छे से नींद आई, मजा आ गया था यार। चलो चल भाई माइकल द इल्यूमिनाटी उठ जा यार। चलो तो यार गाइस उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़ा आ रहा है। चलो सबसे पहले तो अभी यार मैं नहाना चाहूँगा उठने के, तो पहले दोस्तों नहाने के लिए चलते हैं यार, मज़ा आ गया। चलो यार फिलहाल अभी अंडरवाटर माफिया, लेस्टर, फ्रैंकलिन, लमार सब अपने अपने काम पर चले गए होंगे यार, नींद आ रही है अभी भी थोड़ा सा। चलो सबसे पहले तो मैं स्विमिंग पूल में दोस्तों नहाऊंगा, और नहाने के बाद फिर चलेंगे यार जहाँ पर भी चलना है। ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है अभी मुझे, मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाता हूँ दोस्तों ब्रेकफास्ट में। चलिए क्या बात है, ये होती है ना एकदम लग्जरी लाइफ, देख रहे हो दोस्तों क्या मज़ा आता है। सुबह सुबह ना यही वर्कआउट होता है दोस्तों। चलो क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। फिलहाल आजकल ना माइकल द इल्यूमिनाटी वर्कआउट पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है बस सही है यार दोस्तों। अब जैसे स्विमिंग हो गई ना यही वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है स्विमिंग के अंदर ही दोस्तों वर्कआउट भी है। देखो मैं अच्छे से स्विम करूँगा, क्या बात है, बढ़िया। हाँ तो स्विमिंग में ना दोस्तों हमारी पूरी बॉडी चलती है, तो एक अच्छा कार्डियो हो गया है सुबह ही सुबह। एक दो चक्कर और लगाता हूँ, मज़ा आ जाएगा, दो चक्कर और बस, ज़्यादा नहीं, एक घूमा और बस एक चक्कर और। बढ़िया 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 बढ़िया, माइकल तू कर सकता है तेज़ी तेज़ी तेज़ी, माइकल तू कर सकता है तेज़ी 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 तेज़ी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल 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 गाइस, बिल्कुल थकने वाला है वे, लास्ट रैप। ऑल राइट लास्ट रैप हमारा, ओ बस 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 बस। तो गाइस यार थक गया यार मैं, लास्ट रैप लगा लिया, एकदम मज़ा आ गया।
अब ना हल्के हल्के से दोस्तों नहा लेते हैं बढ़िया तरीके से। क्या बात है, अपना जिम भी यार यहीं पर है, बट अभी मेरा जिम करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लिटरली मेरा ज़रा सा भी मन नहीं है दोस्तों जिम विम करने का। चलो फाइनली हम नहा तो लिए, निकलता हूँ इससे बाहर। मज़ा आ गया, अब जो थोड़ा बहुत है वो मैं शावर वावर ले लूँगा। चलिए फटाक से जल्दी से शावर वावर लेते हैं, अपने रूम में ले लूँगा ना, अपने ऊपर चलता हूँ। अब तो भाई नहाने के बाद तो फुर्ती आ जाती है एकदम तुम्हारे भाई के अंदर, मस्त है। मेरा बाथरूम, अरे इस वाले उसमें जाना है, ये मैं कहीं और ही आ गया, दूसरे वाले उसमें चलते हैं बाथरूम में। बढ़िया, हाँ ये होगा ना, इधर ही है, हाँ इसमें। चल दोस्तों फटाक से मैं जल्दी से यहाँ पर जो शावर ले लेता हूँ, ठीक है, और शावर वगैरह लेने के बाद ना मैं कपड़े वगैरह चेंज करके सीधा आपसे। राइट गाइज, मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और आज मैंने यहाँ पर अपना ब्लैक वाला सूट पहना है काफ़ी टाइम के बाद, एकदम अच्छा लग रहा हूँ यार आज तो, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेता है, फिर जल्दी से हम यहाँ से जो है निकलेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है लॉस सैंटोस के अंदर ना दोस्तों ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गया, ऐसा मुझे ही लग रहा है या फिर ऐसा है, आई डोंट नो। मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी सुबह सुबह टीवी देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, थोड़ा ना अपने दिमाग को दोस्तों यहाँ पर शांत रखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा शांत रखे तो सही होगा। जस्ट मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाऊंगा, बीन्स वगैरह खाता हूँ दोस्तों मैं सुबह सुबह, यानी कि जैसे हाई प्रोटीन डाइट खाता हूँ। तो देखो भले ही माइकल द इल्यूमिनेटी इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कार्डियो करने के बाद और कुछ ड्रिंक्स पी लेते हैं दोस्तों, चाय वगैरह बना लेता हूँ और थोड़ा सा अपना खा पी लेते हैं, ठीक है। चलिए अपना आराम से जल्दी से, और खाने पीने के बाद दोस्तों फिर हम निकले। सुबह खाने का यार मज़ा ही कुछ और है। चलो फटाफट अब जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है भाई। फिर चल माइकल द इल्यूमिनेटी जल्दी से खा यार। ऑलराइट, बढ़िया, क्यों ना थोड़ा बाहर को चला जाए खाते खाते, बाहर को जाकर दोस्तों खाने का मज़ा ही कुछ और है। एक काम करता हूँ थोड़ा नीचे को चलता हूँ, विटामिन डी भी मिल जाएगा मेरे को अगर मैं धूप में जाकर दोस्तों, हम खाते हैं ना तो हाई प्रोटीन डाइट को, तो विटामिन डी भी मिलता है और हर चीज़ हो जाती है। कॉफ़ी तो मैंने पी ली है, चलो क्या बात है, मज़ा आ रहा है। ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये लैपटॉप यहाँ किसने रख दिया था यार, क्या ही करूँ इन बंदों का मैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी हाई प्रोटीन डाइट खा लेते हैं जल्दी से, और अपना विटामिन डी भी ले लेते हैं। धूप के अंदर खड़े होकर खाने से ना विटामिन डी भी मिलता है हमें यहाँ पर, और खाना पीना भी अच्छे से दोस्तों यहाँ पर जो है हजम वगैरह हो जाएगा, जो बात है, ठीक है। चल भाई माइकल जल्दी से खा ले भी यार। तो चलिए दोस्तों मैं फटाक से खाने के बाद फिनिश कर लूँ इसे जल्दी से, और फिर हम यहाँ से जो है दोस्तों निकल। राइट गाइज, नहाना धोना ब्रेकफास्ट वगैरह हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है, तो चलिए अब निकलते हैं। कल मैंने 47 बहुत ज़्यादा चलाई अपनी, मज़ा आया दोस्तों अपनी 47 को बहुत चलाने के बाद। सूट वगैरह पहना हुआ है तो मैं, जाहिर सी बात है भाई, बाइक्स तो चलानी नहीं वाला। निसान GTR को निकालते हैं, चलो जब से यूँ खड़ी है जब से आई है चलाई भी नहीं लगता है मुझे तो। कोल्ड स्टार्ट हो गई, आ गई, एक तो इतनी तेजी पता नहीं किस बात की इन गाड़ियों के अंदर, ये कंपनी से ही ऐसी आती है फिर हमारे पास आने के। लो आज तो भाई डंडा ही गया, अब मेरी गलती नहीं है भाई, डंडा लगवा लेना सिक्योरिटी गार्ड्स ने। चलो यार, एक तो मेरे पास ही जितनी भी गाड़ी है ना इतनी ज्यादा फास्ट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता दोस्तों कितनी फास्ट कार्स है यार ये। चलो यार मैं ना ज़रा एक बार हैकर गर्ल से एक वो लेस्टर के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेता हूँ, और ना मैं लेस्टर को कॉल करके ना दोस्तों इसी की लोकेशन पर बुला लेता हूँ, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बोला था। क्योंकि दोस्तों देखो यार, लेस्टर ने और वहाँ पर उसका क्या जवाब आया, जो बिग माफिया है ना दोस्तों उसका यहाँ पर क्या जवाब आया वो भी यार देखना है, ठीक है। और लेस्टर को यार मैं यहीं पर यही लोकेशन दिलवाता हूँ, हैकर गर्ल और ये दोनों मिलकर दोस्तों यहीं से काम वगैरह करें तो सही। लेस्टर मेरे भाई यही चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, जब अपना दुश्मन ऐसे यहाँ पर तड़पता
लगता है। तो दोस्तों फाइनली यार दोस्तों यार यहाँ पर ना हमें उसका जवाब आ गया है बिग माफिया का और डग्गन बॉस का भी आया। डग्गन बॉस ने तो सीधा ये बोला है कि मुझे इस मामले में कोई भी मतलब नहीं है। मतलब भाई मैंने एक चीज देख ली, डग्गन बॉस बिग माफिया का भी सगा नहीं है और ना ही एल रूबियो का सगा है। डग्गन बॉस ने सीधा ये बोला मुझे इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं, उसके लड़के के साथ चाहे जो भी करो और ये तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आऊँगा। बिग माफिया मुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है और एल रूबियो का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आया। बिग माफिया के अंदर दोस्तों मतलब इतनी अकड़ नहीं है जितनी दोस्तों डग्गन बॉस के अंदर अकड़ है। डग्गन बॉस के अंदर ना भाई बहुत ज़्यादा अकड़ है। कोई नहीं, अभी मैं बिग माफिया से ना एक मीटिंग करता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है एक मीटिंग प्लान करता हूँ, ठीक है। और मैं वो मेल इसको जो है भिजवा रहा हूँ एक घंटे के अंदर, और एक घंटे के अंदर मीटिंग कहाँ पर होगी, लॉस सैंटोस के अंदर ही मेरे क्लब में, मेरे वाला जो क्लब है ना वहाँ पर होगी दोस्तों। डायमंड कसिनो में नहीं कराना चाहता क्योंकि डायमंड कसिनो भी मेरा है, बट डायमंड कसिनो में नहीं कराऊंगा, कहीं और मीटिंग कराता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। और जिस भी क्लब में कराऊंगा फिर उससे मैं वहाँ पर बातचीत करता हूँ और फिर देखेंगे अगर वो मेरे यहाँ पर बात मानता है तो, ठीक है। और मैं उसको ये भी बताऊंगा कि देख ले डग्गन बॉस तेरा भी यहाँ पर सगा नहीं है, डग्गन बॉस ने क्या जवाब दिया, देखेंगे उसके यहाँ पर रिएक्शंस वगैरह क्या होते हैं। अब उसका बेटा दोस्तों मेरी हिरासत में, तो वो यहाँ पर फालतू कुछ बोलेगा भी नहीं और वो लॉस सैंटोस में ही है बिग माफिया। चलो कोई नहीं, इसको टैबलेट रख देते हैं। हाँ तो जैसे मैंने बोला है ना लेस्टर वैसे ही करते हैं। और गाइज यहाँ पर ना बेथ बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है क्योंकि एक बूढ़े टाइप का है और वो एक हैकर ही है, ठीक है। और वो ना एक मास्क पहनकर रखता है थोड़ा भूत जैसा, ये बता रही है। और वो ना इसके साथ छेड़खानी करता है दोस्तों, इसके घर की तरफ भी कभी कभी आ जाता है और मतलब बाहर जाते हुए उसको छेड़ देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी करता है। तो बेथ इस चीज़ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट यार वो बंदा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इसको परेशान कर रहा है। तो ये अब कुछ ज़्यादा ही परेशान होकर भाई इसके चेहरे से मुझे लग रहा था, तो इसने फिर अब मुझे यहाँ पर जो है बता ही दिया। तो लेस्टर और ये दोनों दोस्त अब यहाँ पर जो है काम करेंगे, मैंने इन दोनों को बोल दिया। ये वाला बेस भी निकाह है और वो एक अंडरग्राउंड बेस है ना वो भी निकाह है, ठीक है। वहां दोनों जहां पर भी तुम लोग जाओ वहां पर काम करो। बाकी बेथ मैं उससे जरा अभी मिलकर आता हूं, ठीक है, उस हैकर के बच्चे से। चल ऑलराइट दोस्तों। और वो जो हैकर का बच्चा है ना वो दोस्तों पता हो कहाँ पर है, आपको पता होगा यहाँ पर पास में एक डिजिटल डेन है, उसके बेसमेंट में जो हैकिंग वहाँ पर की जाती है ना वहाँ पर है। और वो जो दुकानदार है ना वो हैकर्स को ना रेंट पर वो लोकेशन देता है, ठीक है, रेंट पर देता है। तो ये नया कोई चमूरा है, इसको मैं जान से तो नहीं मारूंगा, बेफालतू में जान से मार के क्या ही फ़ायदा होगा, किसी बंदे को काम भी आ सकता है। मैं इसको ना जस्ट एक सबक सिखाऊंगा। यार ये निसान GTR कुछ ज़्यादा तेज भाग रही है भाई, इतनी तेज़ भी नहीं चलानी है मैं गाड़ी। चलो आराम से पिछले रास्ते चलते हैं ना, अगले रास्ते जाने की क्या ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है। एक तो निसान GTR इतनी ज़्यादा फास्ट है भाई, क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा फास्ट गाड़ी तो मैंने आज तक कभी चलाई भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं आराम से, खुल जा सिम सिम। चल दोस्तों फाइनली ये खुल चुका है, राइट गाइस। तो चलिए अब आराम से इसके फ्रिज के पीछे चलते हैं। और दोस्तों मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, ये वाला जो रास्ता है ना मेरे अलावा दोस्तों ये वाला रास्ता यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको ये रास्ता पता है। और आराम से, और यहाँ पर बेसिकली दुकान के पीछे कोई हैकिंग बेस भी है, ये भी किसी को नहीं पता। तेरी आराम से, मैं दुकान में जाने वाला था। यहीं पर है ना, स्टन गन से स्टन कर दूंगा, क्या बोलती है पब्लिक, है ना। स्टन गन निकाल लिया, आई यही है। अबे भूत नहीं के उसको बेफालतू में क्यों छेड़ता है, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ नहीं तो तेरे पिछवाड़े में ये लगानी पड़ेगी मेरे को करंट, इसके पिछवाड़े में करंट लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो गाइस यार बेफालतू में छेड़ता रहता है भाई साहब। हैकिंग बेस तो देखो कितना तगड़ा बना रखा है। ये इसने कुछ नए फोल्डर्स वगैरह भी खोल रखे हैं क्या,
आई डोंट नो भाई क्या क्या इनका दोस्त यार चलता है, मुझे तो लिटरली यार गाइज कुछ समझ में भी नहीं आता गाइज, मतलब क्या क्या ये लोग करते हैं। बट चलो मैंने इसे एक अच्छा सबक सिखा दिया, बेचारी हमारी बेथ यार इतनी परेशान हो रही है और हम उसको ऐसे ही छोड़ दें। ये रास्ता किधर जा रहा है, ये चीज़ तो मैंने पहली बार नोटिस करी है यहाँ बीच में। और राइट ये स्टोर के लिए रास्ता है, हाँ स्टोर में देखने के लिए कौन कौन आया है, बट फिलहाल अभी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और ये ऊपर वाला रास्ता कहाँ के लिए है, ये ऊपर वाली लोकेशन पर देखने के लिए। यहाँ पर पीसी वगैरह तो दोस्तों बहुत सारे देखो मिल रहे हैं ठीक है, बट फिलहाल आज यहाँ पर कोई नहीं आया क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक जो है दुकान खुली भी नहीं है, सुबह का वक्त है ना, क्या पता शाम को खुले आज, कोई नहीं। बट ये हैकर का बच्चा तो यहीं पर था ना, मैंने अच्छा सबक सिखा दिया अब इसको, अब मेरे हिसाब से छेड़ेगा नहीं। चलो निकलते हैं अब हम, अपना काम डन हो गया। फ्रिज के अंदर को तो भाई बंदों ने रास्ते बना रखे हैं बताओ हैकिंग के लिए। अब भाई देखो तुम्हारे भाई को तो लॉस सैंटोस में सारी की सारी जितनी भी लोकेशंस है ना सबका ऑलमोस्ट यहाँ पर ज्ञान हो ही चुका है। चलो आराम से, वेट अ सेकंड गाइस मेरे पास ना एक कॉल आ रहा है, जरा मैं कॉल उठा लेता हूँ, किसी अननोन नंबर से मिस कॉल आई है, एक बार कॉल बैक करके देखता हूँ असल में कौन। जी सर, ओके अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके 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 सर ओके। तो गाइज यार फिलहाल अभी मेरी यहाँ पर बात हुई है, मेरे पास ना आपको याद ही होगा अभी थोड़ी देर पहले जब यार मैं पैलिटो बे के अंदर था कल, तो भाई पैलिटो बे के अंदर मैंने पुलिस वाले से रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी कि वो जो बंदा था और वो मुझे मतलब ऐसे एक्सीडेंट करके भागा था ये वो, तो पुलिस वालों ने पता लगा लिया। पुलिस वालों ने ये कहा कि वो किसी गैंग का मेम्बर है और वो काफ़ी ख़तरनाक गैंग है जिसके बीच में पुलिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व वगैरह फिलहाल अभी नहीं हो रही है ठीक है। और पर वो ये बता कि हमने उस गाड़ी की लास्ट लोकेशन यहां पर जो निकाल ली है, और दोस्तों जो लास्ट लोकेशन है वो सैंडी शॉर्ट्स की आ रही है। उन्होंने मुझे जो लोकेशन है दोस्तों व्हाट्सएप पर यहां पर जो भेज दी है, तो अभी करना क्या है यार, जाकर बस देखता हूं, अगर वो वहां पर मिला तो सीधा दोस्तों मैं धरूंगा जाकर उसको ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो निकलते हैं यार उस लोकेशन के लिए, सबसे पहले तो इसी को जाकर धरता हूं यार, मैं बाद में करूंगा जो भी करूंगा, पहले तो जाकर मुझे इस चीज़ को धरना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यार, मतलब मुझे यहाँ पर वो करके भागने की, और वाइट गैंग बॉस को ना आज मुझे बचाना ही होगा किसी भी हालत में, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में आकर दोस्तों मैं यहाँ पर बिग माफिया से भी मीटिंग वगैरह कर लूँगा, पहले वाइट गैंग बॉस को बचाते हैं आराम से। चलो दोस्तों निकलते हैं, देखते हैं गाड़ी की फुल स्पीड कितनी है, स्पीड इतनी नहीं है, स्पीड उतनी है 250-300 बस, ये लगती जाता है, असल में पिकअप ज़्यादा है ना गाड़ी का, निसान GTR का पिकअप काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओ भाई क्या मस्त गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी की मतलब तुम कटिंग देखो तुम्हारे भाई की कितनी मस्त करता है। तो 300 की स्पीड पर दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट बस पहुंच ही गए दोस्तों किसी भी वक्त। सैंडी शॉर्ट्स तो गाइस हम फिलहाल आ ही गए, मिलते ही नहीं यार, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा कसम से बता रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, उसकी ऐसी की तैसी। फाइनली पहुंच गया मैं उस लोकेशन पर, पुलिस कह रही है कि लास्ट बायर यहीं पर गाड़ी को देखा गया था। ऑलराइट वो खड़ी दादाजी वाली गन निकाल ले अपनी फेवरेट, चलो इससे पहले कि यहाँ पर कोई आए भी ठीक है ना। यहाँ पर एक निसान की गाड़ी खड़ी है, इसमें कोई है क्या, कोई नहीं है इसमें, यहाँ पर तो कोई नहीं है, लोकेशन अबॉन्डेड है। एक दो गाड़ियाँ पहले से हैं और एक लास्ट गाड़ी, ये गाड़ी यहाँ पर वो बंदा छोड़कर चला गया, गया तो गया कहाँ, शिट मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ, वो गया तो गया कहाँ। गाइज मुझे पूरा प्लान समझ में आ चुका है,
तो वो बंदा जब वहां से भागा था ना, उसको यहाँ पर आने की जल्दी होगी, और रस्ते में तभी नहीं दिखा उसने, कटिंग वगैरह ली। उसके दो साथी और आए होंगे, जितने भी टीम मेंबर्स होंगे दोस्तों, वो लोग एक निशान की उस गाड़ी में आएंगे, गाड़ी वहां पर खड़ी उसमें, और बंदे ने यहाँ पर अपनी इस गाड़ी को छोड़ा और सीधा यहाँ से वो बैठा बोट के अंदर या जो भी शिप होगा, और वो यहाँ से निकल लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई वो बोट यहाँ पर कैसे कहाँ पर गई है? शिट, वो बंदा हमारे हाथों से निकल गया। काश अगर मुझे पकड़ना होता ना यार, मैं उसको रात ही पकड़ लेता, बट क्या कर सकते हैं यार। गाड़ी अच्छी है पर ये उसकी बंदे की गाड़ी अच्छी है, रेसर कार है। गाइज एक तरीका है मेरे पास, देखो ये एक रेसर कार है, ठीक है, और ये जाहिर सी बात है भाई इस बंदे की पर्सनल कार ही होगी। लाइट्स वगैरह देखिए, और मैं कार्बन फाइबर सीट्स है, पूरी कार्बन फाइबर कार है, तो मतलब मैं तुम्हें बता दूँ ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार है, समझ गए? तो ये गाड़ी किसके नाम पर है, इस गाड़ी को कहाँ से ख़रीदा गया है, किसने बेचा था, और किसने ख़रीदा था ये गाड़ी को लास्ट टाइम, ये गाड़ी किसके नाम पर है, सब कुछ ना पता चल जाएगा। इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी तो नहीं लगी हुई इस गाड़ी पे, नंबर प्लेट उतर चुकी है दोस्तों, वही तो मैं सोचूं, नंबर प्लेट उतार के फेंक दी, बट कोई नहीं, इसके चेसिस नंबर से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक पुलिस वालों को ये गाड़ी मिली तब तक नंबर प्लेट थी, बट वो तो रात की रिकॉर्डिंग उन्होंने देखी है ना वहाँ की, और ये रास्ता यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर आने के बाद उस बंदे ने नंबर प्लेट भी उखाड़ करना, मुझे तो ऐसा लग रहा है पानी वानी में फेंक दी होगी नंबर प्लेट भी, चलो या साथ ले गया होगा, आई डोंट नो। तो गाई सबसे पहले हमें इस गाड़ी को यहाँ से लेकर जाना होगा। चलिए मैं यहाँ पर जो है बैनी को कॉल करता हूँ, यहाँ पर कोई ट्रक लेकर आएगा, उसके ऊपर हम गाड़ी को लोड करते हैं, इसको लॉस एंटोस लेकर चल, लेकर निकल, चल मैं अभी आगे आगे चल रहा हूँ, चल चल तू आगे चल। तो गाइज बैनी और मैं इसको लेकर निकल लिए गाड़ी को, बैनी का भाई शुक्र है भाई, बेचारा बैनी काफ़ी जल्दी आ गया था। चलो अब इस गाड़ी को जल्दी से लेकर दोस्तों हम लॉस सैंटोस पहुंचते हैं, और गाइज यहां पर बिग माफिया के साथ मेरी मीटिंग भी डन हो चुकी है। बिग माफिया जो है 15 मिनट में मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचने ही वाला होगा, तो भाई चलो अब जल्दी से मुझे भी उस क्लब में जाना है और बिग माफिया से दोस्तों जाकर मीटिंग वगैरह करता हूं, और देखता हूं उसे डगन बॉस के खिलाफ दोस्तों भड़का के, क्या वो मेरी बातों में आता भी है या फिर नहीं। इसको बैनी को रास्ता भी तो बताना है, हाईवे से निकलना है दोस्तों, थोड़ा साथ चलना पड़ेगा पहले तो। चलो कोई नहीं दोस्तों, हमने गाड़ी को लोड करके अभी तो हम लेकर जा रहे हैं, देखी जाएगी इस गाड़ी के साथ हम क्या करते हैं, पता तो चल जाएगा दोस्तों ओनर कौन है इसका, और फोटो तो है मेरे पास उसका, बट एक बार पता चल जाए ना, अगर लॉस सैंटोस में से कोई निकला, गाड़ी चोरी की हुई है, किसी और ने गाड़ी बेची होगी, तो वो ज़रूर उस बंदे को बुला लेगा ज़रूर, उस तक हमें फिर कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर सुराग तो मिलेगा ही, क्या बोलते पब्लिक है ना। चलो बैनी को चलने दो, देख रहे हो अपनी गाड़ी यहाँ पर कैसे तीर कमान से चलाती है, बैनी इधर से चल रहा है यार। चल कोई नहीं, एक बार हाईवे पे हो जाना फिर दोस्तों मैं आगे निकल जाऊँगा, बैनी खुद गाड़ी को लेकर, मैंने इसको बोला सीधा घर पर पहुँचना, तो गाड़ी को लेकर वहीं पर खड़ी करेंगे इसको, क्योंकि बाहर पुलिस वुलिस का मामला है। मैं फ़िलहाल अभी पीछे पीछे इसीलिए चल रहा हूँ ताकि कुछ हो ना, फिर रोड पर तो हाईवे आने के बाद तो दोस्तों मैं सीधा आगे निकल जाऊँगा। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी बंदा कोई आसपास हो। अरे बैनी आराम से भाई, ओ भाई बैनी पेल पेल के भगा रखी है बैनी। चल 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 मोड़ ले मोड़ ले मोड़ ले, बढ़िया चलो नाइस। तो गाइस अब फाइनली बैनी हाईवे पर आ चुका है, ठीक है, इसको गाड़ी को लेकर आने के बाद। चल बैनी ठीक है, हमें सीधा वहीं मिलेंगे, चलो ओके ब्रो। तो गाइस बैनी आ जाएगा खुद, अब मैं चलता हूँ, क्या बात है गाइस, 300 की स्पीड पर गाड़ी भाग रही है 1080 आरपीएम पे, देख रहे हो। क्या मस्त है भाई गाड़ी, भाई चलने में तो ऐसी होनी चाहिए,
तभी मजा आता है भाई कार को चलाने में भी। ओ तेरी, वो कितनी चिपक के चल रही है भाई, एकदम फ्लैट बॉटम कार है भाई ये, एकदम नाइस, मेरे को तो बड़ी मस्त लगी भाई। चलो बैनी के आने से पहले दोस्तों जल्दी से हम सीधा यहाँ पर जो है क्लब पर पहुंच। राइट गाइस, तो फाइनली यार मैं जो है क्लब पर पहुंचने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पर बिग माफिया को ना दोस्तों अकेला बुलाया था, मैंने कहा कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मत लेकर आ जाना अपना। चलो इधर का इंडिकेटर देना है, आया है क्या, खड़ा है खड़ा है खड़ा है, वही है वही है। वेट, इस गाड़ी से तुम्हें याद आया वो जो खड़ी है वो गाड़ी, आराम से चलूंगा मैं भी फुल ऑन एटीट्यूड के साथ, फुल ऑन एटीट्यूड के साथ। देख रहे हो भाई निसान जीटी आ रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। ऑलराइट, तो गाइस यार हल्का सा मेरे यहाँ पर ये लग चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गाड़ी है यार यहाँ पर, अपना आराम से खड़ा हूँ। वो देखो बिग माफिया यार वहाँ पर कैसे खड़ा हुआ है, देख रहे हो अभी भी अकड़ में है यार। और यहाँ पर ये गोल्डन गाड़ी जो ये लेकर आया है ना, ये गाड़ियाँ मैंने ही बनवाई थी, इन्होंने चोरी की है, बताऊँगा इसको तुम्हें। वेलकम वेलकम वेलकम, लगता है बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है तुझे गाइस, अभी भी एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है भाई साहब इसका, देख रहे हो तुम अभी भी कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। चल बुड्ढे इस अब ना इस एटीट्यूड को कम कर, ठीक है मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम द एटीट्यूड किंग माइकल द इल्यूमिनाटी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। भाई साहब मैं भाई सीधी बात बोलता हूँ, मैं क्यों ये बेफालतू वाली बातें बोलूँ, मैं सीधी बात बोलता हूँ। चल आ जा अंदर मेरे पीछे भी जा जा। तो गाइस यार यहाँ पर भी तुम्हारे भाई का ये क्लब है, बट ये काफ़ी टाइम से ना बंद पड़ा है, अभी ना मैंने इसकी ओपनिंग वगैरह नहीं करी है, ठीक है रेनोवेट वगैरह करवा दिया था बट ओपनिंग नहीं है की, बट काफ़ी जल्दी अभी मैं करने वाला हूँ इसकी भी ओपनिंग। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, फाइनली आ चुके हैं दोस्तों अंदर। ऑलराइट, तो आपको ये वाला क्लब कैसा लगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यार ये क्लब है, और इसको बनाए हुए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, ठीक है मैं इसको प्राइवेट कैबिन में ही लेकर चलूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है डिलक्स में इस वाले कैबिन में चलते हैं। वो आ रहा है मेरे पीछे ही, यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व हो जाएंगी, वैसे ड्रिंक्स वगैरह तो यहाँ पर सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो ये प्राइवेट कैबिन में दोस्तों बातचीत कुछ अलग ही होती है, ठीक है यहाँ पर अपना आराम से बैठता हूँ, वैसे बातचीत करते हैं, देखते हैं दोस्तों इसको अपना बेटा चाहिए या फिर अभी भी यहाँ पर बकचोदी करता है, तो जो भी होगा देखा जाए। देख इस मामले में तेरा भी मतलब है सब कुछ, और मैं नहीं चाहता, देख वो तेरी औलाद है, ठीक है अभी कोई मेरे बेटे को यहाँ पर जिमी को किडनैप कर लेता तो देख मैं भी यहाँ पर ऐसा ही करता ऐसा बाप होने के नाते, बट देख मैंने तुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाया, और देखने के बाद जिन लोगों को तू दोस्त बोलता है वही तेरे यहाँ पर दुश्मन है। देख तेरी मर्जी है, अभी तू उनके चक्करों में आना चाहता है तो तू आ सकता है, बट मैं तो देख तेरे को सिर्फ यहाँ पर एक बात ही बता सकता हूँ, और जो हमारे बीच में लड़ाई थी चल मैं उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा अगर तू उसका साथ छोड़ता है तो। तो गाइस यार यहाँ पर एक अच्छी बात है, बिग माफिया ना भाई मेरी बातों में यहाँ पर आ चुका है, ठीक है मैंने बिग माफिया को दिखाया कि देख तेरा बेटा यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत में है, मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये सेम बात एल रूबियो को भी बोली और डगन वॉस को बोली, ठीक है बट तेरे बेटे से यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता है, सबको अपने आप से प्यार है, सबको हर चीज़ अपने से हमदर्दी है। जब दोस्तों डगन बॉस की गर्लफ्रेंड मिसेस बेकर को मैंने यहाँ पर उठाया था, मैंने इसको वो बात भी बताई, तब वो एकदम तड़फ गया था, ठीक है तेरे बेटे की बात आई तो उसने कहा मुझे कोई भी मतलब नहीं है चाहे उसको जान से मार दो, मैंने इसको दोस्तों उसका मेल भी पढ़वाया है। तो गाइज ये मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होकर बैठ गया है बिग माफिया, और मेरे को बोल रहा है कि मैंने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया जितना माइकल तुम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते, अब तो इज्जत से बात कर रहा है मुझसे, पहले जब बाहर आया था ना तब एटीट्यूड में था, जब मैंने दिखाया ना तब पिघल गया दोस्तों बिल्कुल, और बोल रहा है कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया ना माइकल जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और भाई बदले में उन लोगों ने दोस्तों क्या दिया इसको, दुख दर्द धोखा, बस ये तो चीज़ें दी हैं उन लोगों ने, और क्या दिया है दोस्तों, कुछ भी तो नहीं दिया,
बस दुख दर्द धोखा ही मिला है इसको बेचारे को, और अब काफ़ी ज़्यादा खैर दोस्त परेशान हो चुका है। और गाइज मैं इसको अब क्या मुझे, मैं तो देखो अभी पहले लास्ट में भी आपसे ना पूछ रहा हूँ, ठीक है, बाद में दूंगा जो भी मुझे इसको ऑफ़र वगैरह देना है, ठीक है, अभी मैं कोई भी ऐसा ऑफ़र वगैरह ऐसा वो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सीधे तरीके से बताता हूँ, मैं इसको ऑफ़र देने वाला हूँ कि मैं इसको बिग माफिया को अपनी टीम में कर लेता हूँ। तुम्हारा इस बारे में यहाँ पर क्या कहना है, क्या मुझे बिग माफिया को अपनी टीम में यहाँ पर कर लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर छोड़ दूँ इसको ऐसे ही? वैसे मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अभी अपने बेटे की वजह से, ठीक है भाई, कोई भी हो, कोई भी बाप हो, हर कोई हो जाता है, तो मेरी बात ये मान रहा है और ये बोल रहा है कि तुझे जो चाहिए मैं वो भी दे दूंगा यार, बट इसको बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि डगन मगन बॉस को, जिसको अपना जिगरी दोस्त मानता था, उन लोगों ने इसके साथ ऐसा किया भाई। अब मुझे ऐसा लगता है शायद अब ये मेरे बारे में यहाँ पर सही सोचने लग गया होगा कि माइकल एक अच्छा बंदा है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या दोस्तों मुझे इसको अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ। फिर कल दोस्तों हम इसको बिल्कुल अपनी टीम में शामिल करके फिर डगन बॉस की तो चटनी बनेगी ही बनेगी, अब एंड ऑफ डगन बॉस बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो गाइस इस एपिसोड में बस यार इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि यार आज का एपिसोड यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक यहाँ पर नहीं किया है वीडियो कर दीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो। चलिए आपके कितने कमेंट्स थे वो रीड कर लेते हैं और बेल आइकन भी जरूर से यहाँ पर प्रेस कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलूँगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, लव यू, बाय बाय। ऑलराइट दोस्तों चलिए अपने सभी प्यारे प्यारे भाइयों के यहाँ पर प्यारे प्यारे कमेंट्स को हम यहाँ पर रीड वगैरह कर लेते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, यस आरिश भाई, माइकल को लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना दो, प्लीज़ रिप्लाई मी, या वेरी सून लिख देता हूँ भाई को, वेरी सून लिख देता हूँ, वेरी सून, चलो नाइस। भाई आप सहारनपुर में कहाँ रहते हो, प्लीज़ रिप्लाई मी, मैं रहता हूँ भाई भेज रोड पर, ठीक है। आरिश भाई आप बेस्ट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू थैंक यू। भाई GTA 5 कौन कौन से लैपटॉप में चलेगा, प्लीज़ वीडियो बनाओ, लैपटॉप के नेम भी बताओ वीडियो में। देखो यार मेरी बात सुनो, GTA 5 को चलाने के लिए आपको लैपटॉप, मैं तुम्हें एक विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप में भी चलाकर दिखाऊंगा, बट इस वाले टॉपिक पर वीडियो में शायद से AK वर्ल्ड वाले चैनल पर तुम्हें दिखा दूंगा, वहां देख लेना ब्रो। बिग माफिया के बेटे से सारी प्रॉपर्टी, कार्स, घर, मेंशन सब कुछ ले लो, ठीक है भाई। भाई आप क्या इंस्टाग्राम पर, मुझे नहीं बाइक है पूरा घुमाना, जो पेट्रोल बैंक पर क्या सहते हैं नया ब्रो। आरिश भाई प्लीज़ पिन माई कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पिन होगा मेरे छोटे भाई, भाई मेरी हेल्प करो, बताओ भाई क्या हुआ ब्रो। मेरा नाम लो रहीम, मेरे भाई कैसे हो, हाय ब्रदर। भाई आपको वो पुलिस वाला जाओ बैज दिया है गिफ्ट दे दो भाई, प्लीज़ सुनो भाई, आरिश भाई वो पुलिस वाला जो बैज दिया है उनको गिफ्ट दे दो भाई। हाँ वैसे भाई ये बात तो तुमने यहाँ पर ठीक कही है, जिसने पुलिस वाले ने मुझे बैज दिया था ना, मैं उसको गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ, दूंगा उसको। हेलो भाई थैंक यू सो मच, क्या बात है। आरिश भाई डायनासोर सिक्योरिटी बनाओ, ठीक है भाई आरिश भाई डायनासोर सिक्योरिटी बनाओ। आरिश भाई आपके पास जो लैम्बोर्गिनी है ना उरस, उसकी टॉप स्पीड चेक करवाइए हाईवे पर, प्लीज़ पिन माय कमेंट, बहुत दिनों से कह रहा हूँ पिन कर दो, आज मेरा कमेंट पिन कर दीजिए, ठीक है भाई। तो चलो भाई के कमेंट को दूसरे यहाँ पर जो है पिन कर देते हैं भाई। आरिश भाई सारा गोल्ड बेच दो, ठीक है आरिश भाई, वो डगन बॉस के साथ जो सिक्योरिटी रखा था वहाँ डगन बॉस से कुछ ले लोगे, ठीक है ओपी वीडियो ब्रदर। आरिश भाई जिमी के ऊपर भी ख्याल रखो, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, क्योंकि उसको कितना कर सकते हो कि तुम्हारे लॉस सैंटोस का डॉन है, गिव प्लीज़ गिव पर ख्याल रखो, ठीक है। हाय ब्रदर सैंडी सॉर्श वाला मेंशन दिखाओ, दिखाऊंगा सब, 2 घंटे की वीडियो देखना चाहता हूँ, लाइक नहीं करते हो। AK वर्ल्ड में मोटो व्लॉग कब दी होगे, हायाबुसा के मोटे व्लॉग डालो प्लीज़, ठीक है मेरे भाई। ब्रो प्लीज़ मेक द शोरूम ऑफ इंडियन एफोर्ड कार्स, ठीक है भाई, अफोर्डेबल ऑफ रोड कार्स, इंडियन ऑफ रोड कार्स लाइक जिमनी आ गई क्या, देख लेंगे। चलो भाई आप अपने घर के पीछे भी सिक्योरिटी लगाओ, ठीक है। आई लव यू ब्रो, लव यू टू, आई लव यू ब्रो। भाई प्लीज़ डाउनलोड GTA 5 ब्रो, एक वीडियो बनाओ, ठीक है भाई।
भाई मेरा नेम ले लो, रसील मेरे भाई, कैसे हो भाई, प्लीज़ GTA 5 वीडियो डाउनलोड ब्रो। ठीक है भाई, चलो आरिश भाई आप एपिसोड लिख कर, ठीक है भाई लिख दूंगा, #123 ना, सही है, ऑडी शोरूम पर भी वीडियो बनाओ, ओके कमिंग सून ब्रो प्लीज़। GTA 5 कैसे फ्री में, फ्री वाला चला के क्या करोगे, बेकार गेम है वो, और वायरस आ जाएगा तुम्हारे PC पे। और यार ये क्या गाली देते रहते हैं लोग, तो देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे PC में ना बेफालतू में वायरस आ जाएगा, तो मेरी बात सुन लो, या तो थोड़ा वेट कर लो, अगर तुम कहीं मतलब स्टीम से खरीदते हो ना तो 800-900 रुपए का आराम से तुम्हें गेम मिल जाएगा यार, क्या बेफालतू में ये चीज़ें डालोगे, वायरस आ जाएगा और कंप्यूटर के अंदर भाई। लेकिन गोल्ड माफिया यहाँ से निकला कैसे, क्या पता कैसे निकला, उसकी ऐसी की तैसी। डगन बॉस भाग गया टू लव सेंटर्स का प्रेसिडेंट बंद हो। आरिश भाई अब आपने आइलैंड पर नहीं गए, आपके लिए पूरा प्यार है, थैंक यू सो मच, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू माइकल। जल्द से जल्द प्रेसिडेंट बनाओ, शॉर्ट एंड शॉर्ट वीडियो में सॉन्ग अपलोड करके गैंगस्टर बनाओ, ठीक है भाई। आरिश भाई आपके साथ सैंडी शोर्स वाला मेंशन कहाँ है, आपका सबसे बड़ा मेंशन आप भूल गए, वो आपका सबसे लग्जरी और बड़ा मेंशन है, पूरा मेरा नाम लो आरिश भाई, मुझे रिप्लाई में थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग मी लिख देना। चलो भाई थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग लिख देता भाई को, देख रहे हो लिख दिया। आयुष भाई लव यू मेरे भाई, लव यू, पिन कर दो पिन कर दो पिन कर दो, फिलहाल अभी मैंने आज दूसरे भाई का पिन किया, कल वाले वीडियो में आपका कमेंट भी पिन कर दूंगा मेरे भाई। प्रिंस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरिश भाई इंडियन डॉन लॉस सैंटोस वापस बुला लो प्लीज़ आरिश भाई, ठीक है भाई बुलाएंगे, बहुत सारे दिल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, इतने सारे गुलाबी रेड दिल देने के लिए। आरिश भाई लॉस सैंटोस को हर पुलिस वाले से पैसा खिला दो, ठीक है भाई हर पुलिस वाले को पूरे लॉस सैंटोस के पैसे ही पैसे खिला दूंगा। जिमी कहाँ है आरिश भाई, जिमी यार घर पे रहता है, या फिर देखो उसको कॉलेज वगैरह के भी तो काम होते हैं ना जिमी, ये थोड़ी ना है कि कोई गैंगस्टर है या फिर गैंगस्टर वाली लाइफ जी रहा है भाई, वो एक स्टूडेंट भी है। आरिश भाई रिप्लाई ज़रूर करना, अगर मुस्लिम हो तो इल्यूमिनाटी पर रिसर्च करो, इल्यूमिनाटी गलत चीज़ है, आप इस्लाम से निकल जाओगे। सही कह रहे हो यार तुम, वैसे मैंने इल्यूमिनाटी के लोगोस वगैरह लगाने बंद कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया था, ठीक है अब मैं जस्ट अपना फेस लगाता हूँ, इल्यूमिनाटी के लोगोस वगैरह मैंने लगाने बंद कर दिए मेरे भाई। मस्त हो आपको समझ में आ गया आरिश भाई, हाँ क्या यार वीडियो मस्त बना यार, सिक्योरिटी फेक मत बनाओ भाई, GTA 5 खेलता हूँ मेरे को मालूम है आरिश भाई, ज़्यादा कलेक्शन मत दिखाओ प्लीज़, मस्त वीडियो देखे आपके लाइक टारगेट पूरा होगा, ठीक है भाई ठीक है, 2 ईयर्स अगो सीधा वीडियो, थैंक यू ब्रो, ब्रिंग आर वॉइस चैट भैया, लाइक करता हूँ आपके लिए भाई, लाइक हम पूरा कंप्लीट कराओ यार सब के सब। और आयुष भाई अच्छा किया एयरपोर्ट पर अटैक करके, भाई मैं तो अटैक वटैक ही कर देता हूँ हर जगह ब्रो, रात बेच कर खाया हुआ प्लीज़ भाई बताओ भाई क्या क्या बोलते हैं आयुष भाई, डगन बॉस का घर भाई यहाँ इस वाली लोकेशन पर नहीं रह रहा वो, फिलहाल अभी लॉस सैंटोस के बीच में रहता है वो, मेंशन सा क्या बना रखा है उसमें, क्या बात है प्रिंस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे दिल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यस भाई ज़रूर पूरा होगा, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई जितने भी रेस्टोरेंट से जितने भी ग्रोसरी स्टोर से जितनी भी सब कुछ है ना सब कुछ परचेज़ कर लूँगा, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ परचेज़ कर ही ली है, बट जितनी तुम ये बातें बोलते हो ना आज भाई, जितना भी हुआ है आई भाई दुनिया के सबसे बेस्ट वीडियो जो नई वीडियो ये कमेंट्स ना भाई कॉपी पेस्ट मारता है प्रिंस बहुत यार, कॉपी करके रख रखा है तुमने पक्का, अरे यार चलो बहुत बढ़िया, कम से कम मेरे भाई मुझसे इतना मोहब्बत तो करते हैं यार, समझे तुम इतनी मोहब्बत तो करते हैं। एक कमेंट यहाँ नीचे भी है शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये रहा आयुष भाई थंबनेल में लिखा हुआ था कि माइकल इल्यूमिनाटी बाय गोल्ड मेंशन आपने दिखाया, वो मेंशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाना, ठीक है मेरे भाई ज़रूर दिखा देंगे यार, वो सबसे नीचे वाला कमेंट था ये
भाई मेरे वाला कमेंट्स प्लीज पूरा रीड करना प्लीज एंड रिप्लाई माई कमेंट में। आज भाई सारे के सारे रेस्टोरेंट्स दिखाओ एंड अपना प्ले बॉय मेंशन सैंडी शोर्स वाला मेंशन दिखाओ एंड अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिखाओ। एंड मिसिज बेकर के पास एक और रेस्टोरेंट था जो बीच पे था, प्लीज़ वो वाला रेस्टोरेंट भी दिखाओ प्लीज़। एंड नेक्स्ट वीडियो में कायो पेरी को जल्दी से अपने नेम करा लो प्लीज़ एंड सारी प्रेजिडेंट बन जाओ पूरे लॉस एंड हो। प्लीज पिन माई कमेंट एंड फुल सपोर्ट है आरिश भाई, नाइस वीडियो, लव यू आरिश भाई, लव यू टू मेरे भाई। देख रहे हो पप्पी की आवाज़ कैसे है, लव यू टू मेरे भाई। और नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले वीडियो में तो मैं हर चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये डन हो गया और कायो पेरी को भी जल्दी से अपने नाम करा ही लूँगा मैं, देखी जाएगी जो भी होगा, ठीक है। चलो तो मैंने सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट रीड कर लिया, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बाकी यार मैं मिलूंगा अब यहाँ पर आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।